हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक और क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आज हमने कवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जाम्स। इजी क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग है, ध्यान से समझ लो इसको। क्या क्वेश्चन है? प्रूव यूजिंग पीएमआई दैट एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री, वेयर एन इज नेचुरल नंबर। तो इस केस में जैसे मैंने समझाया, कई बार क्वेश्चन में आता है मल्टीपल ऑफ थ्री, कई बार आ जाता है हमारा डिविजिबल बाई थ्री, तो दोनों के लिए मेथड हमारा सेम होगा। अब देखो क्या क्वेश्चन, हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है इसको। सो वी स्टार्ट विद व्हाटएवर द इक्वेशन इज गिवन, उसको हमने पहले एज्यूम करना है, लेट पी ऑफ एन बी एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस एन प्लस फाइव इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। पहले हमने इसको एज्यूम करना है इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट लिखी है उसको हमने P ऑफ n एज्यूम कर लेना, ठीक है, इक्वेशन इसको हम कह सकते हैं। नाउ सबसे पहला स्टेप हमारा फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n को 1 रखना है, तो जहां इस स्टेटमेंट में n दिख रहा है उसकी जगह पे हम 1 पुट करते जाएंगे। तो हमने इसको इधर 1 किया, सेम वे यहां पर भी हमने डालना शुरू कर दिया, तो देखो कितना आंसर आ गया, दिस इज 1 प्लस 1 हो गया था 2, 1 प्लस 5 हो गया 6, तो 2 इंटू 6 हो गया 12, तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए 12, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका मतलब है P ऑफ 1 इज ट्रू, क्योंकि सही चीज आ गई यहां पर तुम्हारी। देन लेट P ऑफ n be true for n is equals to k, हमने assume करना है, इसको बोलते हैं assumption step, ठीक है, इसका मतलब है अब जहां कहीं जहां पे भी n था उसकी जगह पे हमने क्या put करना है, k put कर देना, तो ऐसे लिख देना p of k is equal to k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इस स्टेप के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमने लिखना होता है यहां पर, इसको एक तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है k प्लस 1 और k प्लस 5 को, तो k से पहले किया तो k स्क्वायर प्लस 5k, फिर 1 से किया तो k प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 30 है तो 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, ऐसे ही कभी भी मल्टीपल ऑफ 3 जो भी नंबर है, जैसे 12 आया था तो 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 3 जब है तो इसको अज्यूम कर लेते हैं 3 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे ले लिया, और ये आगे हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो k इंटू इसको आगे लिख दिया मैंने k स्क्वायर, एड किया तो हो गया 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 अल्फा, k को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये पूरा जब ब्रैकेट्स, जब हमारी ब्रैकेट्स वाली कोई टर्म्स नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगी उसको हमने क्या मानना है, इक्वेशन 1, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द सेकंड स्टेप, नाउ द थर्ड वन, टू प्रूव P of k plus 1, अब n की जगह पर k plus 1 डालते हुए हमने ऐसे लिखना है, जैसे मैंने आगे समझाया था जहां पर भी हम n की जगह k plus 1 डालते हैं वहां ब्रैकेट डालते जाना है, छोटा वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट हम डालते जाएंगे, और जहां पर ऑलरेडी एक ओपन ब्रैकेट है उसको दूसरे ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्लेस कर देंगे, ऐसे करना है, ऐसे अगर करोगे तो तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा, इज मल्टीपल ऑफ 3. इसको हमने लिखा तो k प्लस 1, ये हो गया हमारा k प्लस 2, ये हो गया k प्लस 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इसका राइट साइड सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉरी ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने टर्म्स लिख लेनी है, so now we take left hand side,
So left hand side is P of k plus 1. This is equals to k plus 1 into k plus 2 into k plus 6. अब इसको हमने सभी को मल्टीप्लाई करना है. तो पहले k plus 1 को मैंने अलग रहने दिया, इनको मल्टीप्लाई करा. तो k से किया वैसे आ गया, फिर 2 से किया तो 2k plus 12. ठीक है. अब आगे k plus 1 into this is k square, इन दोनों को ऐड किया तो 8k plus 12. फिर इस k से ओपन कर लिया ब्रैकेट तो k cube plus 8k square plus 12k. फिर 1 से ओपन किया तो k square plus 8k plus 12. अब सारी लाइक टर्म्स को हमने कलेक्ट कर लेना है. तो k cube एक ही है, square के दोनों टर्म्स हैं तो 9k square हो गया, 12k और 8k मिला के 20k और हो गया ये plus 12. ठीक है, यहां तक आ गया. अब यहां तक आने के बाद हमने यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से पहली टर्म इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमने फर्स्ट इक्वेशन की अगली टर्म से. यहां से k क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं वो यहां डालेंगे. तो क्या लिखेंगे यहां पर, k क्यूब कैन बी रिटन एज 3 अल्फा माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k. ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमारी राइट साइड शिफ्ट कर गई. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां लिख दिया हमने 3 अल्फा माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k. ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन से, प्लस बाकी की टर्म्स एज इट इज रिपीट कर देंगे. और यहां हमें रीजन दे देना है कि हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म है, तो हम इस पर अब करके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपने. अब यहां पर सारे ब्रैकेट ओपन कर लेने हैं, तो 3 अल्फा का तो एक ही है. ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई स्क्वायर की, एक माइनस सिक्स के स्क्वायर और एक प्लस नाइन के स्क्वायर. तो तुम वो देख सकते हो जस्ट प्लस थ्री के स्क्वायर, देन माइनस फाइव के और प्लस 20k. तो कितना आ गया ये प्लस 15k. कांस्टेंट एक ही है इसमें प्लस 12. तो किस नंबर से हम मल्टीपल दिखा रहे थे, 3 से. तो 3 तुमने देखना है अपने आप से, अगर हमारी सारी कैलकुलेशन सही है तो 3 इसमें अपने आप से कॉमन आ जाएगा. तो अब हमारे पास 3 कॉमन दिख रहा है हमें, तो 3 हमने कॉमन ले लिया. तो अल्फा प्लस के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4. जब किसी भी चीज में 3 इनटू समथिंग लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है कि वो डिविजिबल बाय 3 हो गया या मल्टीपल ऑफ 3 हो गया. सो p ऑफ k प्लस 1, सो वी कंक्लूड p ऑफ k प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3. दिस गिव्स P of n is true for all natural numbers. जैसे मैंने समझाया था कि ये last की एक statement लिखनी बहुत जरूरी है. तो अगर बच्चे अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सो दैट जैसे नए वीडियो में लेके आऊंगी तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाएगी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.